और हमारा घर ये था तो यहाँ पर बन गया प्रसाद और खीर। आज किस खुशी च माता? आज दसवीं आ गई, दसवीं रोटी खवाने और फिर मैं खावा की गोभी दी रोटी। गोभी ले गोभी अभी संता तेनो मेरे को कंटिन्यू हर रोज मॉर्निंग ब्रेकफास्ट अगर गोभी का पराठा दे दो तो मैं खा सकती हूँ, मतलब मेरी इतनी फेवरेट है। तो काफी लोगों ने पूछा था कि आप निक्के की पगड़ी बनवा रहे थे, आपकी पापा की पगड़ी क्यों नहीं बनवाते? क्योंकि पापा हमसे पगड़ी नहीं बनवाते, पापा की पगड़ी ये बनवाते हैं। जी पग की पूनी है, मैं अज तक मैं आर्मी भी नौकरी कर ली, मैं किसी की हेल्प नहीं ली, मैं खुद करता, किसी की जरूरत नहीं पी पग की पूनी है। हेल्प ਹੁੰਦਾ ਹੀ ਹੈਗਾ, ਪਹਿਲਾਂ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਹੋ ਗਏ, ਪਹਿਲਾਂ ਗੇਟ ਤੇ ਕੁੰਡੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਸੀ, ਪਹੁੰਚ ਵੀ ਐ ਹੁੰਦਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਆਪਣੇ ਲਿਵਿੰਗ ਰੂਮ ਕੋ ਬਣਾ ਰੱਖਾ ਹੈ ਮਿਠਾਈਆਂ ਦੀ ਦੁਕਾਨ, ਤੋ ਸਾਰੀ ਮਿਠਾਈਆਂ ਯਹਾਂ ਪਰ ਆ ਮਤਲਬ ਸਾਰੀ ਨਹੀਂ ਆਧੀ ਬਣ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਡੈਡੀ ਇਹਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। ਆ ਹੈਗੀਆਂ ਇਹ ਹੈਗੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ, ਇਹ ਕੀ ਚ ਪਾਣੀਆਂ? ਮਿੱਠੀਆਂ ਪਕੌੜੀਆਂ ਸ਼ੱਕਰਪਾਰੇ। ਇਹ ਮਿੱਠੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ? ਅੱਛਾ ਓਕੇ, ਭਾਜੀ ਤਿਆਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ ਇਹਨੂੰ ਹੁਣ ਖੰਡ ਪਾਉਣੀਆਂ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਹੈ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਅਭੀ ਆਦੀ ਬਨੇ ਕਾਲੇ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਇਹ ਵੀ ਕਾਲੀ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਰੈਡ ਵਾਲੇ, ਔਰ ਇਹ ਹੈ ਵਾਈਟ ਗੁਲਾਬ ਜਾਮੁਨ, ਔਰ ਇਨਕੇ ਅੰਦਰ ਹੈ ਘੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਸੇ ਅੱਜ ਚੱਲ ਰਹਾ ਹੈ ਯਹਾਂ ਪਰ, ਅਭੀ ਆਏ ਹੈਂ, ਥੋੜੀ ਦੇਰ ਮੇਂ ਹੋਗਾ ਸ਼ੁਰੂ ਮਿਠਾਈਓਂ ਕਾ ਸਿਲਸਿਲਾ। हेलो जी, सत श्री अकाल, गुड मॉर्निंग। और अभी टाइम हुआ है 9:00, 9 बज चुके हैं और मैं रेडी हो चुकी हूँ क्योंकि मैं और भाई निकलेंगे गुरुद्वारा साहिब, जो भाई की शादी का इनविटेशन है। सबसे पहला डब्बा और इनविटेशन कार्ड जो है वो जाएगा गुरुद्वारा साहिब, उसके बाद ही हम सारे रिलेटिव्स में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे। तो बस थोड़ी देर में निकलेंगे, उससे पहले मैं पीऊंगी अपनी ब्लैक कॉफी। हेलो, ट्विनिंग की थी दोनों ने, ट्विनिंग की कड़े जा रहे हैं आप? खोआ बर्फी लाई? बर्फी लाई। अच्छा, सो गाइस मत्था टेक के आ चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हम निकलेंगे मेरे दाद का पिंड मत्था टेकने के लिए। आज दसवीं है तो हमारे यहाँ पर हर दसवीं को मत्था टेका जाता है और 6 महीने बाद जो दसवीं आती है उसमें हम लोग खाना खिलाते हैं जो ग्रंथी होते हैं गुरुद्वारे के। और मैं आपको अपना पुश्तैनी घर भी दिखाऊंगी जहाँ पर हम लोग हर 2 महीने की छुट्टी में जाते थे और रहते थे। और बाकी की डिटेल्स मैं अपने पिंड पहुँच के ही दवाऊंगी और मेरे पिंड का नाम हैगा परमपुर। और अभी करते हैं फटाफट ब्रेकफास्ट और ब्रेकफास्ट करके निकलते हैं। तो आप लोगों के काफ़ी सारे मैसेजेस आ रहे हैं कि अभय कहाँ है, अभय कब आएंगे, तो अभय आज निकल चुके हैं बॉम्बे से, आज शाम को 6 बजे तक पहुंच जाएंगे, 6:30, 4 बजे की फ्लाइट है उनकी और अभी जस्ट फोन पे बात हुई है। सत श्री अकाल दोस्तों, मैं चल रहा पंजाब, मेरे साले का ब्याह, साड़ी जर्नी शुरू हो गई है बॉम्बे तो, अमन तो ऑलरेडी पंजाब पहुँच गई है, बाय, विल सी यू ऑन द वे। ਅੱਜ ਦੀ ਮੁੰਬਈ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਏਅਰਪੋਰਟ, ਇੱਥੋਂ ਫਲਾਈਟ ਹੈਗੀ ਆ P415, 6:30 ਲੈਂਡ ਕਰੂਗੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਜਾਵਾਂਗੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਪਟਿਆਲੇ ਤੋਂ ਫਿਰ ਕੱਲ੍ਹ ਸਵੇਰੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਰਾਏਕੋਟ। ਮੈਂ ਆ ਗਿਆ ਥੋੜ੍ਹੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਛੇਤੀ, ਬੜਾ ਬੋਰਿੰਗ ਜਿਹਾ ਹੋ ਗਿਆ ਯਾਰ ਕੰਮ,
ਜਿਵੇਂ ਆਪਾਂ ਲੇਟ ਲੂਟ ਆਈ ਦਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਫਾਇਦਾ ਦੱਸਦਾ ਲੇਟ ਆਉਣ ਦੇ ਹੁਣ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਵਿਹਲੇ ਵਾਂਗੂ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਲਾਂ ਦੇਖੀ ਜਾਂਦੇ ਤੁਸੀਂ ਲੇਟ ਆਉਂਦੇ ਹੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਰੱਬ ਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰਦੇ ਪੂਰੇ ਰਾਹ ਤੁਸੀਂ ਇਹੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਨਾ ਰੱਬ ਅੱਜ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਭੱਜੇ ਭੱਜੇ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੁੰਦੇ ਐਂ ਐਗਜ਼ਿਟ ਜਾਂ ਲੈ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਉਹ ਫਿਰ ਇੱਕ ਕਲਾਸ ਜੀ ਐਡ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹੁਣ ਇੱਥੇ ਬੈਠ ਗਿਆ ਬੀਬੀ ਦੇ ਕੰਮ ਨੇ ਇਹਨੇ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਛੇਤੀ ਛੇਤੀ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਛੇਤੀ ਪਹੁੰਚਾਤਾ ਏਅਰਪੋਰਟ ਆਹ ਦੇਖੋ ਰਿਲੈਕਸਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ रायकोट मॉर्निंग या आफ्टरनून में देखते हैं कि वो कब पहुंचते हैं हम जो आप खाना बनाया अपने गाँव पिंड ब्रह्मपुर असि पहुंच चुके हैं लोहट बद्दी लैन लगे टर्न इथे लेना विक्की मत्था टेक चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं पिंड सीधा घर जावांगे जिते मेरे पापा पले वड्डे हुए तुहानू भी दिखाने हैं सो अभी हम लोग जहाँ से जाएंगे ना वो हमारे है गांव का बैक साइड तो हम लोग बैक साइड से एंटर कर रहे हैं क्योंकि जहाँ हम लोग मत्था टेकने आए थे वो गांव से थोड़ा सा बाहर है बैक साइड से एंटर करेंगे और जब निकलेंगे तो आपको फ्रंट दिखाएंगे जब हमको 2 महीने की छुट्टियां मिलती थी ना तो हम लोग आते थे यहाँ पर 2 महीने स्पेंड करते थे अपने नान के और दाद के तो जब भी 10वीं होंगी सी असि इतने मत्था टेकन आते असी पिंड तो लेके इतने तक पैदल आते होंगे याद है तेनों डैडी पहले आप गुरुद्वारा साहब जा रहा है या सीधा करे जाना तो फिर आपा पाठी नु की मैं कहवांगे अच्छा ओ सी साडा पिंड रंग रंग हटा ते लोग पहला की हुंदा सी मतलब हमारा जो गांव था ना पूरा कलरफुल था जैसे ये मोटर को कलर किया हुआ है वैसे था मतलब हर घर ना अलग कलर का होता था अभी तो सारे कलर फेड हो चुके हैं पर आपको फिर भी थोड़ा थोड़ा आइडिया हो जाएगा ये जैसे ग्रीन ऑरेंज येलो कितने साल हो गए पेंट कराए नु बहुत टाइम हो गया आई थिंक 20 साल हो गए होंगे है ना आराम से हाँ मेरी ना परदादी होती थी तब इस गांव की खासियत है इस गांव में आपको एक भी नाली नहीं दिखेगी सारी नालियां अंडरग्राउंड है और ये आएगा अभी थोड़ी देर में हमारे गुरुद्वारा साहिब गांव का और वो सामने जो है ना वो बैठने के लिए बना हुआ है वहां पर मेरे दादाजी हमेशा आके ग्रुप में बैठते थे और ये है हमारा गुरुद्वारा साहिब और ये है हमारा घर ये सारा जिसके बाहर ग्रीन कलर किया हुआ था अभी फेड हो गया यार अपने दरवाजे भी डैडी उदा दी है ना पुराने मतलब 20-25 साल हो गए सेम दरवाजे हैं कोई दरवाजों में चेंज नहीं ये वाला जो येलो वाला है ना रूम ये मेरी ना परदादी का रूम हुआ करता था और मैं यहाँ से ना पापड़ लिया करती थी इस वाली ना उससे विंडो से वो जो है घर जहाँ पर पतरा ग्रीन कलर का लटक रहा है वो मेरी बचपन की बेस्ट फ्रेंड का घर है देखते होंगे फैमिली में तो दिखाते हैं आपको ये मेरी परदादी का रूम था देखो हमारे पूरे घर में 3 कलर हो रखे हैं ग्रीन येलो मेरी बेस्ट फ्रेंड का घर ये था और हमारा घर ये था जो हुआ करता था दादा दादी का और ये ऐसी एक वॉल है जो मुझे अभी याद है अभी तो पेंट कर दिया गया है यहाँ पर मैं ABCD सारी यू नो लिखती थी और चुन्नियों की साड़ी बना के पहन के टीचर बनती थी और पूरी वॉल मैंने ABC से भर दी थी तो अभी वो नहीं है यहाँ पे ये था हमारा हॉल मतलब हमारा हॉल बहुत लंबा था अभी तो पार्टीशन हो गया है पार्टीशन हो गया था तो हमने दे दिया ये वाला और ये है एक रूम जो यहाँ पर टीवी लगा होता था याद है देखो याद है यहाँ पर अभी लाइट्स नहीं है तो आपको अंधेरा ही दिखेगा यहाँ पर टीवी लगा होता था ये सारे जितने बाबियां दे फोटो ने टीवी 25-25 साल पुराने दादी दे दादे दे टाइम तो असि उतारिया ही नहीं हुण तक याद है
ਇਹਦੇ ਚ ਅਸੀਂ ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਛੁਪਨ ਛੁਪਾਈ ਖੇਡਦੇ ਤੇ ਹਮ ਲੋਗ ਇਸੇ ਕੇ ਅੰਦਰ ਛੁਪਤੇ ਸੀ। ਇਹ ਯਹਾਂ ਦੇ ਸੋਚੇ ਇੰਨੇ ਛੋਟੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਸੋਨੀ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਵੜ ਜਾਂਦੇ ਸੀ ਦੇਖੀ ਛੋਟੇ ਤੋਂ। ਔਰ ਇਹ ਪੁਰਾਣੀ ਓਲਡ ਖਿੜਕੀਆਂ ਹਾਂ ਹਾਂ ਪੁਰਾਣੀ ਹੈ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਅਬ ਦਿਖਾਤੀ ਹੂੰ ਆਪਕੋ ਮੈਂ ਕਿਚਨ। ਕਿਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਚਨ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਕਿਚਨ ਇਧਰ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ। ਇਹ ਮਾਰਾ ਇਹ ਜੋ ਪੋਰਸ਼ਨ ਤਾਂ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕਿਚਨ ਹੁੰਦਾ ਥਾ। ਔਰ ਅਭੀ ਤੋ ਚੇਂਜ ਕਰ ਦਿਆ। ये सारा ही किचन होता था। वो वाला भी पार्टीशन अभी हो चुका है। वो वाला घर भी हमारा होता था। वो साडा बाथरूम हुंदा सीगा सामने। वो साडा मेन गेट हुंदा सी पूरा। हमारा मेन गेट होता था। वो कॉर्नर में बाथरूम होता था। हमारी भैंस ऐसी यहां पर बंदी होती थी। इधर मेरी परदादी का रूम होता था अंदर। कबूतर रखे हुए हम। अब तो सब चेंज हो गया है ना। ਇਧਰੋਂ ਛੱਤ ਤੇ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ। ਸੁਣੀ ਹੁਣ ਤਾਂ ਵੱਡੇ ਹੋਏ ਐਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਪੌੜੀਆਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਉਹੀ ਚੜ ਜੀਏ। ਕੁਝ ਵੀ ਹਾਈਟ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀਗੀ। ਹੁਣ अपनी बचपन दी गल्लां कर रही सी शहर किदां इकट्ठे रहिंदे हुंदे सीगे हैना। है डैडी तुहाडा तां बचपन इत्थे बीतिया, तुहानू याद नहीं आउंदी है? कर दे हाँ देखियो डैडी इमोशनल हो गए। ये पक्खा इन्ना नीवा हुंदा सी। ਮੈਂ ਡੈਡੀ ਪੱਖਾ ਇੰਨਾ ਨੀਵਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਕੌਣ ਕੀਤਾ? ਆਪਾਂ ਕਦੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੰਧਾਂ ਕੋਨਾ ਚੇਂਜ ਨਹੀਂ ਕਰਾਉਣੀਆਂ। ਹਾਂ ਇਹ ਐਜ਼ ਆ ਉਹ ਰੱਖਾ ਕੇ ਪਲਾਸਟਰ ਕਰਾ ਦਈਏ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਦੇ ਉਸ ਨੂੰ ਜੋ ਜਿਵੇਂ ਉਹ ਰੱਖਣਾ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਤਾਰਨੇ ਉਹ। ਹਾਂ ਉਹ ਜਿਵੇਂ ਹੈਗੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਰੱਖਣੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਉਵੇਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਚੇਂਜ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ ਹੈਗਾ। ਦੇਖ ਆ ਮੂਵੀ ਦੇ ਗਏ ਜਿਵੇਂ ਹਾਂ ਇੱਥੇ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਜੀ। बाबा जी को खाना खिला दिया है और अब हम निकलेंगे घर और घर के बाद जाएंगे मामा जी के घर पे विक्की की शादी का इन्विटेशन देने। सभी हम लोग जा रहे हैं मेरी बेस्ट फ्रेंड के घर पे। और मंजे बोल रहे हो है? ओए यार ये तो तू ओदा नहीं होती में सीगे है फर्क किथे सीगा? कोई फर्क नहीं हैगा। नहीं और किन्ने साल लगा? किन्ने साल लगा? बड़ा कुछ साल 10 12 साल के होंगे। अच्छा मम्मी ने बोल रखा कि और वो क्या बकरियां क्या ऑन नहीं है? आलू आए रखे होंगे थले पहला पिंड यहाँ पर थड़ा जो है यहाँ पर पूरे गांव के जितने भी बुजुर्ग हैं सब यहाँ पर आके बैठ के अपने गप्पे शप्पे मारते थे। देखो ये सारे रंग थे हमारे गांव में। और ये आ गया है बस स्टैंड जहाँ पर हम लोग बैठ के बस की वेट करते थे। ये है कितने याद आ गया? अरे बस स्टैंड ही काम करता। आसी 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 ये था हम लोग यहाँ बैठ के बस का वेट करते थे। सो गाइस ये था हमारे गांव परमपुर। डब्बे पैक हो रहे के चलो है ना। तेरे भाई उन्होंने कहना मेनू दस ने देना धोखा मेरा कोई सूट नहीं सिलता है। फिर कहोगे सारे कमेंट करोगे भी ओही सूट पा के चली जाती है। मैं कोई सूट मेरा पड़िया ही नहीं है। टेलर ने धोखा देता। हाँ टेलर ने धोखा देता मैडम। और कितने और दूंगा ना। पांच सूट सिलाई करने देते हुए मेरा एक भी नहीं बना के देता। अभी हम लोग जा रहे हैं मेरे नान के
ਵਿੱਕੀ ਦੇ ਵਿਆਹ ਦਾ ਡੱਬਾ ਦੇਣ। ਪਹਿਲਾ ਡੱਬਾ ਜਾ ਚੁੱਕਿਆ ਗਾ ਗੁਰੂ ਘਰ ਅਤੇ ਹੁਣ ਬਾਕੀਆਂ ਦੇ ਰਿਲੇਟਿਵਸ ਨੂੰ ਜੋ ਵੀ ਡੱਬੇ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟ ਕਰਨੇ ਆ ਹੁਣ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਗਏ। ਇਹ ਭੇਲੀ ਆ, ਡੱਬੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ, ਭੇਲੀ ਡੱਬੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪਾਠ 'ਤੇ ਦੇਵਾਂਗੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅੱਛਾ, ਭੇਲੀ ਜੋ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰਡ ਅਸੀਂ ਪਾ ਕੇ। ਓ ਗਾਈਸ, ਹਮ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਹੈ ਬਾਪੂ ਦਾ। ਓ ਬੈਠਾ ਬਾਪੂ, ਮਾਮਾ ਗਿੱਧਾ ਚਲੋ ਮਿਲਦੇ ਆ ਛੇਤੀ ਫਿਰ। ਬਾਏ ਬਾਏ ਬਾਏ। ਲਓ ਜੀ, ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ। ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪਹਿਲਾਂ ਚੈਰੀ ਕੋਲ ਗਿਆ ਅਤੇ ਵਲੌਗ ਵਲੂਗ ਬਣਾਉਣਾ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਯਾਰ, ਹੈਬਿਟ ਜੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉੱਥੋਂ ਗੱਡੀ ਚੱਕੀ, ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਪਟਿਆਲੇ। ਆਪਾਂ ਆ ਗਏ ਘਰੇ ਪਟਿਆਲੇ, ਸਵੇਰੇ ਨਿਕਲਾਂਗੇ ਰਾਏਕੋਟ, ਉੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ।